आप सभी को भारत भूषण अवार्ड का प्रणाम। मित्रों, आज के वर्तमान युग में बच्चों का, युवकों का, युवतियों का समय पर विवाह ना हो पाना एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका बहुत बड़ा कारण है बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियां। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते, परिवारों का आपस में भाइयों का अच्छा तालमेल होता था, रिश्तेदारों का बड़ा अच्छा तालमेल होता था, लेकिन आज के कथित आधुनिक युग में परिवार छोटे से छोटे और खुद में सिमटते जा रहे हैं, रिश्ते कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, परिवार कुटुंब ये भी कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, और इसका दुष्प्रभाव हरेक व्यक्ति हर परिवार पर देखने को मिल रहा है। और इसकी सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों के विवाह के लिए हम मैट्रिमोनियल ब्यूरो, वैवाहिक विज्ञापन, इन तक सिमट कर रह गए हैं। और परेशान आदमी जब किसी ज्योतिषी या किसी अन्यासी व्यक्ति के पास जाता है तो वहां पर उपायों के नाम पर भी उसके हाथ कुछ लगता नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको पौराणिक काल से चले आ रहे कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। दो या तीन ही उपाय हैं, बड़े ही सरल सीधे साधे हैं और बड़े ही अचूक हैं। इनकी प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि स्वयं मैं व्यक्तिगत तौर पे सैकड़ों लोगों पर इनको आजमा कर देख चुका हूं और अधिकतर मेरा परिणाम सकारात्मक भी आया है, बहुत सकारात्मक परिणाम मुझे मिले हैं। आशा है आपको भी इससे लाभ होगा। तो आइए चलिए देखते हैं आगे वीडियो में, एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, और जो चीज़ समझ में ना आए तो पूरा जो भी विषय मैं आपको बताऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी आप विस्तार से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के युग में सही आयु में विवाह न हो पाना भी एक आम समस्या बन गई है, जिनमें बदलते सामाजिक समीकरण भी जिम्मेदार हैं। इस वीडियो में लड़के और लड़की दोनों के लिए शीघ्र विवाह संपन्न कराने वाले कुछ उपाय बता रहे हैं जो सफल होते देखे गए हैं। आशा है इनसे आपको भी लाभ होगा। शीघ्र पत्नी प्राप्ति हेतु प्रयोग, यह श्लोक है, सा देवी नित्यम परितप्य मस्तामेव सीतेत्य भापमानः दृढ़ व्रतौ राजसुतो महात्मा त्वैव लाभाय कृत प्रयत्नः। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक को सुंदरकांड, इस श्लोक से संपुटित वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का कम से कम एक पाठ स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से कराएं। ये सारा पाठ मूल रामायण के संस्कृत में है। विशेष ध्यान देने की बात है कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस का कोई भी उल्लेख मैंने नहीं किया है, हम केवल वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं। यदि आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो इसी मंत्र का किसी विद्वान ब्राह्मण से 1,25,000 जाप करा लें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। कन्याओं के लिए शीघ्र वर प्राप्ति हेतु प्रयोग, ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्र लाभम च देहि मे। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जप की विधि, तुलसी के पौधे का यथाविधि पूजन करके उसके सामने तुलसी की माला
अर्थात तुलसी के मनियों की माला पर 108 बार जप पूरा होने पर उसी तुलसी के पौधे की 12 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक परिक्रमा में दूध और जल से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम ये मंत्र भी बोलना चाहिए। कन्या को चाहिए कि वह अपने दाहिने सीधे यानी कि राइट हैंड में दूध और बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में जल का भरा हुआ लोटा कोई पात्र ले और उनसे अर्घ्य दे। दूध और जल से अर्घ्य एक साथ 12 बार देना चाहिए। जो कन्या इस उपर्युक्त विधि से जप और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करती है उसका विवाह शीघ्र होता है। विवाह ना हो पाने की स्थिति में गायत्री प्रयोग भी सिद्ध है। यूं तो गायत्री मंत्र साक्षात मोक्ष का ही द्वार है और इसका निष्काम जप ही करना चाहिए, किंतु विशेष परिस्थितियों में सकाम प्रयोग भी संभव हैं। उन्हीं में से एक है जो हम प्रकट करते हैं। विवाह आदि में चंद्र गुरु और सूर्य की बाधा बताई जाती हो या किसी भी अन्य कारण से विवाह नहीं हो रहा हो, रुकावट हो, तो 9 दिन में गायत्री का 24,000 जप का लघु पुरस्करण करा लेना चाहिए, अर्थात 24,000 का जप कराना चाहिए। जप का लघु अनुष्ठान पूर्ण विधि विधान से कराएं, अर्थात जप, उसके बाद उसका दशांश हवन, मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि कराएं। इससे अशुभ मुहूर्त एवं अपशकुन का परिहार हो जाता है, वे नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक टोटका भी है जो अवश्य करें और जो काफ़ी सफल देखा गया है। शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके ये काम अवश्य करें। किसी काले कपड़े में 5 लोहे के बर्तन बांधें, जैसे तवा, चिमटा आदि, उसमें चाकू भी हो सकता है या कुछ और भी, कुल मिलाकर 5 बर्तन आप कर लें। उसे काले कपड़े में बांधकर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा और ये प्रयोग एक ही बार करना है। ऐसा करने से बहुत बार लाभ होते देखा गया है। मित्रों, इस प्रकार आपने ये 2-3 जो भी थे बड़े ही अचूक उपाय जाने, आप इनको करके देखिए। जिन लोगों का विवाह विलंब हो रहा है, बहुत परेशान है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इन उपायों से उनको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और साथ ही मैं आपसे छोटी सी प्रार्थना करूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को